हेलो बच्चों, माँ स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं क से लेकर ज्ञ तक। आज हम आपको क ख घ सिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना वीडियो स्किप किए हुए हम लोग बोर्ड पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, हम आपको आज सिखाने वाले हैं क से लेके ज्ञ तक, क ख घ, एकदम आसान तरीका कैसे इसे पढ़ते हैं हम आपको आज इस क्लास में बताने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये आपका हो गया क से ज्ञ तक वर्ण व्यंजन। हम आज आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो बच्चों, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, आपका हम बोर्ड पर क से ज्ञ तक लिख चुके हैं। अब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमारे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा। देखिए, हम लोग अब क से, यहाँ देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए, आपका क से ज्ञ तक हम पूरा लिख चुके हैं। अब हम लोग इसको कैसे उच्चारण करते हैं, अब ये हम सीखेंगे। तो बच्चों, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कैसे हम, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप बोलिएगा। देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये आपका हो गया क्या, क, ये क हो गया, यानी कि आपका होता है क से, क ले कबूतर, ख ले खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, और अंग से यहाँ पर कुछ नहीं ना। फिर आपका हो गया च से चरखा, छ से छत्ता, ज से जहाज, झ से झरना, और य ले आपका कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। यानी य ले हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखिए, ट ले टमाटर, ठ ले ठठेरा, ढ से डमरू, ढ से ढक्कन, अण से कुछ नहीं। अण से आपका कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग अगला पढ़ते हैं। देखिए, त से तरबूज। तरबूज आप लोग खाते हैं ना, तो वही आपका तरबूज हो गया। एक खरबूजा होता है ना, तो तरबूज। क्या बोले, त से तरबूज, थ ले थर्मस, द ले दवात, ध ले धनुष, न ले आपका नल हो गया। जो हम लोग अपने घर में एक नल लगाते हैं पानी पीने के लिए और नहाने के लिए, या पानी, हाँ वही जो आप लोग खोलते हैं ना, टोटी, इसको टोटी आप लोग बोलते हैं, हम लोग भोजपुरी में उसको नल बोलते हैं, नलकूप, है ना। तो वही हो गया आपका नल। न से नल। प ले पपीता। पपीता आप लोग खाते होंगे ना, ये हो गया आपका प ले पपीता। फ ले फल, ये बले बकरी,
बकरी भी आप लोग देखे होंगे, बकरी का बच्चा भी देखे होंगे, क्योंकि हर एक घर में बकरी बकरी पाला जा रहा है। तो ये हो गया आपका बसे बकरी, भाले भालू, मसे मछली। आप लोग मछली खाते होंगे या नदी उदी में आप लोग देखे होंगे तालाब उलाब में मछली, तो हम मसे मछली। अब देखिए आप, हम आपको बताते हैं यले रसे रसी, ल से आपका हो गया लट्टू, व से वाक यानी आपका बत्तख जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया तालाबिश ना, तो तालाबिश ले हम लोग उच्चारण क्या करते हैं। देखिए ये आपका तालाबिश हो गया, मूर्धानिश स हो गया और दंत्या स हो गया। सही उच्चारण करने का हम लोग का तरीका है तालाबेश, मूर्धन्य स और ये आपका हो गया दंत्य स। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, सही तरीका पढ़ने का आपका हो गया ये देखिए, तालाब्य स, तालाब्य स माने आपका हो जाएगा क्या, ये हो गया तालाब्य स, मूर्धन्य स और ये दंत्य स। तो हम लोग तालाब्य से पढ़ते हैं सल गम, यानी सलगम ना, सलगम हो गया तालाब्य सल सलगम। और आपका मूर्धन्य से हो जाएगा, देखिए मूर्धन्य स ले आपका हो जाएगा षटकोण, का होगा मूर्धन्य से ले आपका होगा षटकोण। अब देखिए दंत्य स ले आपका हो जाएगा सब्जी, फिर आपका हले हो जाएगा हाथी न, हले हाथी, छले क्षत्रिय, त्रले त्रिशूल और ये आपका लास्ट बच चुका है। देखिए ये जो ई अकेला में है, ये इतने पर सब एक यानी सौ पर एक भार ना। तो देखिए ये एक नीचे अकेला में है, ये हो गया आपका ज्ञान, तो ज्ञाले हो जाएगा आपका क्या ज्ञानी, ज्ञाले ज्ञानी। तो देखिए एक बार हम लोग फिर पढ़ लेते हैं हिंदी में कख घ, देखिए ये आपका हो गया क्या क ख ग घ अंग च छ ज झ य, फिर आपका ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह छ त्र और ज्ञ। तो देखिए बच्चों, हम लोग आज इस क्लास में क से ज्ञ तक पढ़ना सीख चुके हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और घर पर पांच बार बिना यानी देखे हुए देखकर आप लोग लिखिएगा और समझिएगा, फिर उसके बाद बिना देखे हुए लिखिएगा, देखिए आपको कैसे याद
हो जाता है। तो बच्चों फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तो आपको हम अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इंग्लिश में कख घ कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो चलते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।